नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ये आपकी राशि के ऑफिशियल चैनल है, तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। कुछ अमल भी जरूरी है इबादत के बाद, सिर्फ सजबा करने से जन्नत नहीं मिलती। मेरी झोली में कुछ अल्फाज, अपनी दुआओं के डाल दे ए दोस्त, क्या पता तेरे लब हिले और मेरी तकदीर संवर जाए। दोस्तों, इश्क और इबादत में इतना ही अंतर है, एक की याद तकलीफ देती है और दूसरे की याद तकलीफ में आती है। दोस्तों, मन से जो कहा जा सकता है वो शब्द में नहीं, और जो दिल से दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं। दोस्तों, कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत से मिलते हैं। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यश में आप हर काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे और आप यश में कामयाब भी रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके अंदर आत्मिक शांति व्याप्त रहेगी, रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों के साथ संबंधों में और अधिक सुधार भी यह समय आने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, ध्यान रखें कि गुस्से व फिर जीत जैसी नकारात्मक बातों की वजह से आपके कुछ कार्य में जो है विघ्न आ सकते हैं। दोस्तों, यह समय आय के संसाधनों में कुछ कमी भी आएगी, जिसकी वजह से मन कुछ परेशान रहेगा, लेकिन दोस्तों, यश में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आगे चलकर आपको लाभ होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, यश में किसी को दिया गया पैसा भी आपको अचानक से मिलने से जो है वह से आर्थिक स्थिति की जो परेशानी है वह दूर होंगी। दोस्तों, आपको मिले हुए पैसों का योग्य तरीके से निवेश करना आपकी जिम्मेदारी होगी, तो इस पर जरूर ध्यान दें। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जरूरत से अधिक पेशे के बारे में चिंता करने की वजह से जो है आपके पेशे और जीवन दोनों का आनंद यश में नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, ये दोनों बातें में संतुलन बनाए रखें, इससे आप अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, अपने कर्म तथा पुरुषार्थ के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और फिर सशक्त बनी रहेगी, पूरे मानवयोग और फिर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि युवा वर्ग अपने करियर के प्रति पूरी तरह आकर्षित रहेंगे और सफलता यश में प्राप्त करेंगे। शादी दोस्तों, यश में फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा, लापरवाही की वजह से पैसा बर्बाद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। कोर्ट के संबंधी मामलों में ये जो समय है आपके लिए, किसी भी प्रकार का समाधान मिलने की उम्मीद नहीं है, तो दोस्तों, किसी पर यश में अधिक भरोसा ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जो बात आप सोच रहे थे दोस्तों, उस बात का तनाव यश में आपके ऊपर बना रहेगा, किसी भी बात या फिर समस्या की वजह से अपने जीवन शैली में बदलाव न आने दें। दोस्तों, जितना समय आप शांति और फिर एकाग्रता में बिताएंगे, उतना जल्दी आपको समस्या का हल मिल जाएगा, तो दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दें। और साथ ही दोस्तों, खुद के ऊपर जो है रखा विश्वास आप बनाए रखें, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कुछ समय आत्ममंथन तथा एकांत में व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, इससे दोस्तों आपको कुछ दैनिक उलझनों से निजात मिल सकती है। और दोस्तों, यह जो समय आपके लिए धन संबंधी निवेश करने के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में भी अपना ध्यान लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अपने जो है परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज ना करें, दोस्तों उनका ध्यान रखना आपका महत्वपूर्ण दायित्व रहेगा। क्रोध व फिर आवेश के चलते आप कई बार जो है बनता काम को जो है रोक देते हैं, इसलिए दोस्तों, यश में धैर्य और संयम बनाकर रखें और कार्यों पर ध्यान को केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, करीबी व्यक्ति के बदलते वर्ताव की वजह से जो है उनके ऊपर रखा विश्वास कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको भावनात्मक रूप से तकलीफ भी हो सकती है। फिर भी दोस्तों, आप जो है अपने रिश्ते को कायम रखने की कोशिश करते रहेंगे,
पैसे के मामले में किसी के द्वारा जो है आपको फंसाया भी जा सकता है। तो दोस्तों इससे सावधान रहें, पैसे को किसी को देने से यशस्वी बचें, बस यही आपकी सावधानी होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशस्वी आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यशस्वी अपनी वित्त योजना संबंधी कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें, ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में भी उचित सामंजस्य या फिर उचित समय व्यतीत होगा। कलात्मक कार्यों में रुचि भी आपकी बढ़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों परंतु कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से परहेज करें, आप किसी दुविधा में बुरी तरह से फंस सकते हैं, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में तय की हुई सभी बातों को प्रगति की ओर बढ़ता देख आपको समाधान प्राप्त होगा। आपको दोस्तों यश में आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क जानने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें कि जाने अनजाने में आपकी बातों द्वारा आप किसी को दिल भी दुखा सकते हैं। किसी के भी जो है व्यक्तिगत बातों के बारे में टिप्पणी करने से इसमें परहेज करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों इसमें अच्छा होगा कि आप खुद के प्रति ही जो है ध्यान को केंद्रित करें। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों इसमें करियर में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए मनचाही परिस्थिति बनने में अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और इसके उपरांत इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यावसायिक स्थल पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगा, क्योंकि दोस्तों आपकी लापरवाही से कर्मचारी भी अपना ध्यान काम में जो है नहीं देंगे, तो दोस्तों इस पर जरूर ध्यान दें। और यश में कोई भी नया काम करने की जो योजना है उन्हें टाल दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों कार्यस्थल पर किसी के बिना बात के जो है बात बात भी हो सकता है, तो दोस्तों इन पर ध्यान दें और अपनी वाणी पर संयम रखें, ये आपके व्यवसाय के लिए यह समय बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बिजनेस में परिस्थितियाँ समान ही रहेंगी। दोस्तों किसी नए प्रोजेक्ट के जो ठोस संबंधी या फिर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आप यश में सक्षम रहेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में जल्दी ही अच्छी कोई डील भी हो सकती है। दोस्तों नौकरी में लक्ष्य अथवा टारगेट को पूरा करने का आपके ऊपर दबाव भी यश में रह सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में आपका कोई नया प्रयोग भी अमल करना आपके लिए लाभदायक भी रह सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ यानी आपके पारिवारिक जीवन की बात करें, तो दोस्तों इसमें पति पत्नी के बीच कुछ तकरार जैसी स्थिति रह सकती है। घर में अचानक मित्रों के आगमन से घर का वातावरण भी कुछ बदल सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों इसमें आपको बता दें कि विपरीत परिस्थिति में जीवन साथी का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। दोस्तों मित्रों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर प्रसन्नता तथा नया ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि घर में सुख शांति भरा वातावरण रहेगा। अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपको खुशी और नई ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पारिवारिक वातावरण सहयोगात्मक तथा खुशनुमा बना रहेगा, परंतु विवाहतर संबंधों का प्रभाव आपके घर की सुख शांति को भी भंग कर सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों इसमें अकारण ही तनाव की स्थिति रहेगी, जिसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। दोस्तों अच्छा होगा कि मेडिटेशन पर आप कुछ समय व्यतीत करें। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य तो आपका अंत में ठीक होगा, लेकिन दोस्तों आपको खान पान के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको राहत मिलेगी। रोग जो है निवृत्ति के लिए प्राकृतिक तरीकों का अधिक उपयोग करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान मौसम की वजह से शरीर में दर्द व फिर हल्के बुखार जैसी स्थिति भी रह सकती है, सर्दी से अपना बचाव करें। और दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा केसरिया और भाग्यशाली अंक रहेगा 8।